बोले सोनिहाल सस्रियाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आई हूँ मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के, जैसा कि देवभूमि हिमाचल को बोला जाता है, और इस देवभूमि के साथ सिख धर्म का विशेष लगाव रहा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी 331 वर्ष पहले इस देवभूमि में न सिर्फ आए, बल्कि 6 महीनों तक यहाँ पर रुककर यहाँ की रक्षा का वचन भी देकर गए थे। आज भी गुरु गोविंद सिंह जी की प्राचीन स्मृतियाँ यहाँ देखने को मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी वर्ष 1686 में मंडी जनपद में आए थे, तो सबसे पहले उनका आगमन रिवालसर में हुआ। वहां से मंडी के जो तत्काल राजा सिद्धसेन जी थे, उन्होंने उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ वो मंडी लेकर के आए। हालांकि राजा ने उन्हें अपने महल में रखा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी शहर के बाहर एक स्थान पर रहने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर वह 6 महीने 18 दिन रुके थे। राजा ने उन्हें जो बंदूक, बारूद भरने की कूपी, पलंग, तलाई और रबाब इत्यादि भेंट किए थे, वह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। 331 साल पुरानी बंदूक 18 किलो वजन की है और इसकी लंबाई 7 फीट 4 इंच है। जैसे बची है हांडी, वैसे बचेगी मंडी। जो मंडी को लूटेंगे, आसमानी गोले छूटेंगे। गुरु गोविंद सिंह जब मंडी छोड़कर जाने वाले थे, तो उन दिनों राजा को बाहरी जो अटैक्स वगैरह होते थे, उसका डर उनको बहुत ज्यादा सता रहा था, तो राजा ने उनसे सुरक्षा का वचन मांगा था। राजा को गुरुजी ने अपने अंदाज में वचन दिया था और ये उन्होंने कहा था, ब्यास नदी के बीचों बीच कोलसरा चट्टान पर खड़े होकर एक हांडी को नदी में उन्होंने फेंका, फिर उस हांडी पर बंदूक से निशाना साधा, लेकिन हांडी को कुछ नहीं हुआ। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जो मैंने अभी पहले बोला, जैसे बची ही हांडी, वैसे बचेगी मंडी। जो मंडी को लूटेंगे, आसमानी गोले छूटेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की कही हुई यह बात इतिहास के पन्नों में आज भी आपको दर्ज मिलेगी। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में रखी हुई महाराज की प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मृतियों के दर्शनों के लिए लोग बहुत दूर दूर से खींचे चले आते हैं। सिख श्रद्धालु इन स्मृतियों के दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इवन सिख धर्मों के लोग ही नहीं, बल्कि हर एक धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं। ज्यादा यहाँ पर आनंद और खुशी महसूस करके यहाँ से मथा टेक के वापस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आने जाने वाले जो भी भक्त है, उनके लिए यहाँ से ये प्रसाद देते हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कैसे हैं आप? ठीक है। नमस्कार बाबा जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, जो कि मंडी में है। और अभी बाहर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आसपास, ये जो सामने वाला पोर्शन है, ये गुरु का लंगर। यहाँ काफ़ी बड़ा हॉल है और 24 घंटे यहाँ पर लंगर चला रहता है, ये आप सामने देख रहे हैं। और इस वक्त जो सामने वाली बिल्डिंग लाइट येलो कलर में नज़र आ रही है, तो यहाँ पर सराय वगैरह, ये सामने सराय वगैरह है। और इसी के बाहर जो गाड़ियाँ पार्क वगैरह भी कर सकते हैं, तो दूर दूर से जब यहाँ पर लोग आते हैं, तो यहाँ पर उनको रूम्स वगैरह ये इस पोर्शंस में दिया जाता है, ये वहाँ पर रुकते हैं। सामने ये जोड़ा घर है, तो दोस्तों जोड़ा घर मीन्स कि जहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ से वापस पहन करके आप वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आसपास
जो का पोर्शन है वो मैंने आपको दिखाया। तो मैं आपको फ्रंट साइड में लेके चलती हूँ, वहाँ पे मैं इस गुरुद्वारा साहिब की खूबसूरती का आपको रूबरू करवाती हूँ, दर्शन करवाते आप खूबसूरती को देखिए, निहारिए यहाँ से, और कितना ज़्यादा सुंदर और भव्य, काफ़ी बड़ा ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए निशान साहिब, यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पास से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है निशान साहिब, जो कि बहुत 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 ऊंचा है, ऐसे लग रहा जैसा कि सीधे आसमान की तरफ जा रहा है, ये देखिए। और यहाँ से आप निहारिए और देखिए खूबसूरती श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा साहिब, ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है यहाँ पर, देखिए कितना खूबसूरत। टॉप तक मैं यहाँ साइड से आपको दिखा रही हूँ। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए नीचे की तरफ, ये यहाँ पर फाउंटेन यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये तीन फाउंटेन है, पहले ये खाली पोर्शन होता था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर पार्क बनाया हुआ है, कि जब शाम के वक्त यहाँ पर लोग आते हैं तो एंजॉय करते हैं, यहाँ बैठते हैं अंदर मत्था टेकने के बाद, कीर्तन सुनने के बाद, तो आसपास, क्योंकि इसलिए भी ये इन्जॉयबल है यहाँ पर, इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी आनंद इसलिए भी आता है, क्योंकि देखिए नोनो वहाँ पर खड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आनंद ले रहा है आसपास के व्यू का, क्योंकि अब आपको मैं दिखाना जा रही हूँ कि क्यों यहाँ पर आनंद आता है। ये देखिए ब्यास नदी के समीप बसा हुआ है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा साहिब। ये देखिए आप नीचे जो बह रही है ये ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के पास ही एक काफ़ी बड़ी चट्टान आपको नज़र आ रही है। तो जैसा कि हमने सुना है तो यहाँ पर बैठ करके ध्यान लगाते थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और उसी के पास ही यहाँ पर है ये श्री गुरुद्वारा साहिब, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिब। सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर हाई स्कूल हुआ करता था, तो उस वक्त मैं यहाँ पर पढ़ाती थी, क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज में स्टडी करके बाहर निकली थी, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर इस स्कूल में सबसे पहले बच्चों को टीच करने की। तो वो मेरे को मौका दिया था श्रीमती कमलजीत भाटिया जी ने, जो कि प्रिंसिपल थे इस स्कूल में, उन्होंने मुझे मौका दिया था, अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। तो मैंने इस स्कूल में कम से कम 8 साल यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया, और उन्हीं की छत्र छाया में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो दोस्तों उन्हीं की छत्र छाया में बोल सकते हैं, और साथ में बोल सकते हैं कि इस गुरुद्वारा साहिब की छत्र छाया में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिख धर्म को लेकर के सीखा, किस तरह से अपने धर्म को लेकर के, अपने काम को लेकर के किस तरह से निष्ठावान रहना चाहिए। तो ये फ्रंट डोर है गुरुद्वारा साहिब का। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है, उस वक्त भी हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगाते थे, मैम बहुत गाइड करते थे उस वक्त। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर यहाँ पर, और भाटिया मैम जो यहाँ पर प्रिंसिपल थे वो बहुत गाइड करते थे उस वक्त मुझे यहाँ पर, और हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लावर वगैरह, हमने रोज़ेस प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं जो नीचे की तरफ अभी लगे हुए हैं। तो ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। बेटा आप शूज़ पहन के आओ उधर। ये देखिए दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखा रही थी यहाँ गुरुद्वारा साहिब, ये देखिए ये यहाँ पर स्टैचूज हॉर्सेस बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर पहरेदार भी यहाँ पर खड़े किए हुए हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप लोग भी बोलिए सतनाम श्री वाहे गुरु जी। तो वहाँ है पार्किंग में अभी हमारी गाड़ी, तो मैं जा रही हूँ गाड़ी के पास। और दोस्तों कभी आपको मौका मिलता है तो यहाँ से जब आप कुल्लू मनाली जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, तो रास्ते में ज़रूर रुकिए और इन्जॉय लीजिए, और कीजिए यहाँ पर
श्री गुरु गोविंद सिंह हिस्टोरिकल जो गुरुद्वारा है, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई भी संगत पंजाब से आती है, चंडीगढ़ से या किसी भी जगह से आती है, तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप लोग भी आकर के यहाँ पर माथा टेक सकते हैं और ये यहाँ की खूबसूरती को, आसपास के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बठिंडा, बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं ये देखिए, देखो हैंडसम हैंडसम लड़के यहाँ पहुँचे हुए हैं मंडी शहर में। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मणिकर्ण साहब जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये जा रहे हैं मणिकर्ण साहब के लिए और यहाँ पर आज ये रुकेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हिस्टोरिकल गुरुद्वारा में, और आज आनंद लेंगे मंडी शहर का और मंडी शहर घूमेंगे साथ में ये लोग। तो आप हाय बाय जो भी बोलना है तो यहाँ बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, जो मेरे पंजाब से भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन सबके लिए क्या बोलेंगे? बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो दोस्तों एक चीज़ और बोलूँगी, जैसा मैंने इन फ्रेंड्स से बातें की, तो ये भाई लोग जो थे ये अभी नए सब्सक्राइबर भी मेरे बन रहे हैं, तो मैं इनको थैंक यू बोलूँगी। ये देखिए ये मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो सच वाले सब्सक्राइबर हैं ये झूठ वाले हैं? ओके थैंक यू।